परिसर में नीली वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों का डेरा। विशेष तरह की ड्रेस में अजीब तरह के हथियार लिए कुछ कर्मचारी। ऑरेंज कलर की टी शर्ट में टॉर्च के साथ मंदिर की ओर बढ़ते कुछ लोग और मिनी ट्रक से उतारे जा रहे बड़े बड़े बॉक्स। भगवान जगन्नाथ के धाम में हो रही ये तैयारी उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए है जो एक या दो दशक से नहीं बल्कि 46 साल से हर किसी की अबूझ पहेली बना हुआ है। और इनको अंदर लिया जाएगा और एक सुरक्षित स्थान वहाँ पे हुआ है जहाँ पे रख भंडार को सुरक्षित रखा जाएगा जिसकी गिनती प्रक्रिया शुरू होगी और अंदर जो है उसमें प्रशासन के लोग हैं, कमेटी के मेंबर है और SP है और हमारे जो ये न्यायाधीश थे जो रिटायर्ड जज वो भी अंदर में गए हुए हैं। यूं तो पुरी के जगन्नाथ धाम में सुबह से ही हलचल बढ़ गई थी लेकिन रत्न भंडार का ताला खोलने की असल तैयारी दोपहर बाद शुरू हुई। करीब 1 बजे मंदिर की सीढ़ियों से होकर टीम ने रत्न भंडार की ओर बढ़ना शुरू किया। मंदिर परिसर में बाहर की ओर तैनात सुरक्षा घेरे के बीच रत्न भंडार का ताला खोलने के लिए नियुक्त किए गए तमाम कर्मचारी और अधिकारी धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए और फिर खबर आई कि रत्न भंडार के ताले को खोल दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया के जरिए रत्न भंडार खुलने की जानकारी दी। साल बाद खोला जा रहा है तो ये तो अच्छी चीज है, काउंटिंग होते रहना चाहिए, पता नहीं लगेगा अदरवाइज क्या था 46 साल पहले, अभी क्या है स्टेटस, ये तो रेगुलर खुलता रहना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं खुला इतने दिनों से। ये सवाल सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, लंबे वक्त से मांग उठ रही थी कि भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार का ताला खुलना चाहिए, स्वर्ण लोक से रहस्य से पर्दा उठना चाहिए। केस कोर्ट तक गया, आदेश भी आया लेकिन ताला नहीं खुला। 2018 में ओडिशा हाई कोर्ट ने ताला खोलने का आदेश दिया लेकिन आदेश के बाद ताला खोलने की बारी आई तो पता चला खजाने की चाबी खो चुकी है। नतीजा चाबी की खोज खबर शुरू हुई लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी चाबी नहीं मिली। अब चाबी वाकई गुम हो गई या फिर जानबूझकर छिपा दी गई, अब तक रहस्य बना हुआ है। यही वजह है कि 46 साल बाद रत्न भंडार का ताला खोला गया तो चाबी ले जाई गई, वो काम नहीं आई, नतीजा रत्न भंडार पर लगे ताले को तोड़ना पड़ा। जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का अप्रूव्ड जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसी के हिसाब से जो भी अधिकृत व्यक्ति हैं उन लोग हम लोग गए थे बाहर, रत्न भंडार का जो भी वैल्यूएबल्स है वो शिफ्टिंग हो गया है। अच्छा। जो टेम्पोररी स्ट्रॉन्ग रूम में भीतर रत्न भंडार भी हम लोग गए, उसका जो लॉक था उसको खोलने के लिए जो चाबी था उसमें खुला नहीं तो उसको लॉक को ब्रेक करना पड़ा और उसमें हम लोग जब अंदर गए हम लोग देखे लेकिन अभी समय नहीं था क्योंकि यात्रा है तो उसके लिए और एक दिन करेंगे। श्री मंदिर का जो भीतर रत्न भंडार है उसको भी लॉक किया गया, उसको सील किया गया और उसका जो चाबी है उसको अभी ट्रेजरी में जमा करा है। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के भारी 6 संदूक मंगाए, एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगाना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर के भंडार में जमा दौलत का आकार क्या होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.